महिलाओं के लिए ये बहुत बड़ी मिसाल है कि जिस तरह से अगर आपके साथ अत्याचार हो रहा है तो वो अत्याचार आप ना होने दें और उसके खिलाफ आप आवाज उठाएं। और वही आवाज उन्होंने उठाई है। और जहां तक विशाल जी की बात है, देखिए विधायक हैं वो, विधायक की एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है समाज के प्रति, एक उनका बहुत बड़ा दायित्व बन हो जाता है, बहुत बड़ा उनका कर्तव्य बनता है। आप एक चीज बताइए कि जो व्यक्ति घर में अपनी पत्नी को मारता है, उसके साथ मारपीट करता है, उसका मानसिक रूप से उसको प्रताड़ित करता है, शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता है, तो समाज की दूसरी महिलाएं जिनके प्रति उनकी जिम्मेवारी बनती है, वो किस तरह से अपना न्याय की मांग उनसे कर सकेंगी। और बड़े मैं कहूंगी कि एक शर्म की बात है कि बेटी बचाओ का बेटी पढ़ाओ का ये नारा देते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सबसे ज्यादा जो अनादर है इनका बेटी बचाओ का कौन कर रहा है? यही लोग कर रहे हैं जो जिस तरह से इन विधायक ने ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अनादर किया। अब अपनी जो वाइफ है, अगर वो अपनी वाइफ को ही सम्मान नहीं दे पाते हैं है? तो मैं समझती हूँ कि हिमाचल में आज तक हमने कभी ऐसी शर्मसार कर देने वाली घटना नहीं सुनी कि जहाँ एक विधायक जो एक बड़े अच्छे जो पद पे बैठा है, समाज ने उसको एक जिम्मेवारी दी है, और उसके बावजूद वो इस तरह की हरकत अगर करे, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को सबसे पहले जो भाजपा है इन्हें मैं समझती हूँ अपने लोगों को इसका पाठ पढ़ाना चाहिए, अपने लोगों को इस पाठ से शिक्षित करना पड़ेगा उन्हें पहले, ताकि जो दूसरे लोग हैं तभी वो, मुझे लगता है कि ये जो इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है इसकी गरिमा को तभी दूसरे लोग भी समझ सकते हैं। मैं तो यही कहूंगी कि जो भाजपा है वो तुरंत इन विधायक को निलंबित करे। और जहां तक हमारे प्रशासनिक अधिकारी जो श्रीमती ओशीन शर्मा जी हैं, हम उनके साथ हैं, और एक महिला होने के नाते मैं उन्हें विश्वास दिलाती हूं कि मैडम जो काम आपने किया है उसके लिए हम महिलाएं आपका एक आभार मानती हैं, एक सल्यूट आपको करती हैं कि आपने एक हिम्मत जुटाई। शिमला से संजू चौधरी की रिपोर्ट। बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।